मुकम्मल लॉकडाउन का आज दूसरा रोज। ईद पर कोरोना केसेस कंट्रोल करने के लिए इकदाम। तमाम मार्केट्स, कारोबार, दफातर, दुकानें बंद रहेंगी। चांद रात बाजारों में स्टॉल्स पर मुकम्मल पाबंदी। ग्रोसरी स्टोर्स, बेकरी, मेडिकल स्टोर्स, दूध, दही, सब्जी, गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। महकमे प्राइमरी हेल्थ ने 16 मई तक लॉकडाउन के हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया। परदेसियों के लिए खुशखबरी, बैनुल अजलाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट कल भी चलेगी। 10 मई शाम 6 बजे से 15 मई सुबह 6 बजे तक पाबंदी होगी। परदेसियों के घरों को लौटने का सिलसिला जारी। लारी अड्डे में मुसाफिरों का रश। एसओपीस के खिलाफ वर्जी जारी। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद, शहरी चिंगची रिक्शों पर सफर करने लगे। रिक्शे वालों ने मौके से फायदा उठाते हुए किराए बढ़ा दिए। 50% मुसाफिरों की पॉलिसी भी नजरअंदाज। लॉकडाउन के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भारी खसारे का अंदेशा। हुकूमत ने ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, स्पीडो बस सर्विस को बंद कर दिया। कोरोना के मोहलिक वार, मजीद 24 कीमती जिंदगियों के चरागुल। 24 घंटों में 763 नए मरीजों की तस्दीक। 6910 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना फैलाव की शरह 12% हो गई। ईद उल फितर पर कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर बंद रहेंगे। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर भी 13, 14 और 15 मई को बंद रहेगा। सेंटर में 40 साल से जायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन, 50 साल से जायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी। पुलिस एहलकारों के लिए कला गुजर सिंह में खसूसी वैक्सीन सेंटर कायम। 40 साल से जायद उम्र के एहलकारों की वैक्सीनेशन आज से शुरू हो गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान का ट्वीट। कोरोना वायरस से बचने के लिए एसओपीस पर अमल दरामद करना लाजमी। जहां लोगों ने मास्क पहना वहां केसेस की शरह कम रही। कोरोना मरीजों को तमाम तर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ऑक्सीजन और वैक्सीन खत्म होने की खबरें चलने से दुख होता है। पुलिस अमन व अमान एसओपीस पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। शहर में स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए स्नैप चेकिंग और नाकाबंदी का सिलसिला जारी। शहरियों को कोरोना एसओपीस पर अमल दरामद करने की तलकीन भी जारी है। लाहौर पुलिस लॉकडाउन पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। कानून शिकनी पर 266 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मास्क इस्तेमाल न करने पर 193 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। कोरोना की वबा ने बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दांव पर लगा दिया। एनसीओसी ने तालीमी इदारे 23 मई तक बंद रखने का ऐलान कर दिया। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए 18 मई को दोबारा इजलास होगा। इससे पहले तालीमी इदारों को 17 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया था। रमजान बाजार बंद होने में चंद रोज बाकी। शहरियों की बड़ी तादाद ने रमजान बाजारों का रुख कर लिया। चीनी के स्टॉल्स पर लंबी कतारें। फेयर प्राइस शॉप्स के काउंटर्स पर भी रश। क्रीम पार्क और गुलशन रावी रमजान बाजार में शहरियों की लंबी तादाद। गर्मी और रोजे की हालत में शहरी चीनी के लिए तवील कतार में लगने पर मजबूर। रश के बाद सामाजिक फासला भी नजरअंदाज कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारों का रश लग गया। पीको रोड यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया ने साहिबान का इंतजाम ना किया। शहरी तेज धूप में लाइनों में लगने पर मजबूर। आटा और घी गैर मियारी होने की भी शिकायत। सारिफीन कहते हैं, कितारों में खड़ा करके गुरबत का मजाक ना उड़ाया जाए। ईद की खुशियों में पाकिस्तान पोस्ट का अच्छा कदम। लाहौरियों को मिठाई, अद्वियात की होम डिलीवरी देने का फैसला। महकमा डाक का महमूद फार्मेसी की 10, चाशनी स्वीट्स की 5 ब्रांचेस से मुआयदा। टीमें यूनिफॉर्म, मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करेंगे। रमजानुल मुबारक की 27वीं रात। मसाजिद और मदारिस में खत्म कुरान की महाफिल होंगी। शहरी रब के हजूर गिड़गिड़ा कर जहन्नुम से पनाह की दुआएं मांगेंगे। इबादत एसओपीस के तहत होंगी। बादशाही मस्जिद में रात 1 बजे खसूसी दुआ की जाएगी।
अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला, सदर नून लीग की लीगल टीम के साथ मुशावरत मुकम्मल, FIA के खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई करने का फैसला कर लिया, शहबाज शरीफ ईद से कबल लंदन नहीं जा सकते, लीगल टीम की ब्रीफिंग। फरीहा परवेज की खाला नहीद सदीकी और आरिफा सदीकी की वालिदा तलत सदीकी 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूमा ने फिल्म और TV इंडस्ट्री के लिए बतौर अदाकारा खदमात सर अंजाम दी, PTV के लातादाद ड्रामों में अदाकारा के जौहर दिखाए। और लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, ईद पर मौसम खुशगवार रहेगा, मुख्तलिफ शहरों में बारिश भी होगी, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, ईद के दिनों में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। रमजान उल मुबारक की 27वीं रात, मसाजिद और मदारिस में खत्म कुरान की महाफिल होंगी, शहरी रब के हजूर गिड़गिड़ा कर जहन्नुम से पनाह की दुआएं मांगेंगे, इबादत SOPs के तहत होंगी, बादशाही मस्जिद में रात 1 बजे खुसूसी दुआ की जाएगी। रमजानुल मुबारक की 27वीं रात, मसाजिद और मदारिस में खत्म कुरान की महाफिल होंगी, शहरी रब के हजूर गिड़गिड़ा कर जहन्नुम से पनाह की दुआएं मांगेंगे, इबादत SOPs के तहत होंगी, बादशाही मस्जिद में रात 1 बजे खुसूसी दुआ की जाएगी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला, सदर नून लीग की लीगल टीम के साथ मुशावरत मुकम्मल, FIA के खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई करने का फैसला कर लिया, शहबाज शरीफ ईद से कबल लंदन नहीं जा सकते, लीगल टीम की ब्रीफिंग। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने का मामला, सदर नून लीग की लीगल टीम के साथ मुशावरत मुकम्मल, FIA के खिलाफ तोहीन अदालत की कार्रवाई करने का फैसला कर लिया, शहबाज शरीफ ईद से कबल लंदन नहीं जा सकते, लीगल टीम की ब्रीफिंग। फरीहा परवेज की खाला नहीद सदीकी और आरिफा सदीकी की वालिदा तलत सदीकी 82 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूमा ने फिल्म और TV इंडस्ट्री के लिए बतौर अदाकारा खदमात सर अंजाम दी, PTV के लातादाद ड्रामों में अदाकारा के जौहर दिखाए। और लाहौरियों के लिए अच्छी खबर, ईद पर मौसम खुशगवार रहेगा, मुख्तलिफ शहरों में बारिश भी होगी, महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी, ईद के दिनों में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है।